अरे मैं तेरी तरफ ही तो बॉल मारूंगा, तू गोलकीपर है ना? पर मुझे फुटबॉल नहीं खेलना है। हाँ, देखो बेचारी छोटी मियाँ। टॉपिक मत चेंज कर कीड़े। ये आया मेरा हेनरी स्पेशल। मामा। कीड़े। अब देख तेरी वजह से क्या हो गया है। चल बॉल लेके आ। खुद ही ले आओ, मैं मामा को बताऊंगा। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? ओह, ये तो छोटी मियाओ की आवाज है। डरो मत छोटी मियाओ, मैं आ रहा हूँ। छोटी मियाओ, तुम यहाँ हो ना? अब क्या करूं यार? चलो छोटी मियाओ, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, तुम्हें भूख लगी है ना? हेलो मिसेस ऑडबोर्ड, ये छोटी मियाओ आपकी है? जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अब तो पीटर की बैंड बजेगी, देख लेना। ओह, यही तो है मेरी प्यारी छोटी सी मियाओ। इतने दिनों से गायब थी और तुमने उसे ढूंढ लिया। हेलो मिसेस ऑडबर्ट। ओह हेलो हेनरी, मैं वही सोच रही थी कि तुम अब तक कैसे नहीं आए। थैंक यू पीटर, कल स्कूल में तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। थैंक यू मिसेस ऑडबर्ट। इनाम? तुझे? मेरी बॉल यहाँ गिरी इसलिए तू यहाँ है। और मैंने यहाँ म्याओ को ढूंढा। नहीं, वो इनाम मेरा है, समझा? नहीं हेनरी, मेरा है, मैं लेकर रहूंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, और अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये अच्छा नागरिक अवार्ड पीटर को देते हुए, और इसे अपना कैश रिवॉर्ड एक खास समारोह में इसी हफ्ते मिल जाएगा। कैश यानी कि पैसा? इसने ऐसा क्या कर दिया यार? वो सारे पैसे मेरे ही है और मैं पीटर से लेकर ही रहूंगा। क्या जिंदगी है, मिस ऑडबोर्ट तो तुमसे बहुत खुश होगी ना? हाँ बिल्कुल। ओए पीटर, अब इसे क्या चाहिए? सुन पीटर, मैं इनाम के पैसे तेरे साथ बांटने के लिए तैयार हूँ, उसमें से 20% तेरा, ठीक है? सॉरी हेनरी, बिल्कुल नहीं। चलो निकलो यहाँ से। वो इनाम तो मेरा है। वाओ, मेरा फेवरेट चिकन तंगड़ी कबाब। हाँ, ये मेरा भी फेवरेट है बच्चे। मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? मुझे ये मजेदार खाना खाना चाहिए, उस कीड़े पीटर को नहीं। मिस ऑडबोर्ट, मैंने आपकी उस छोटी मियाओ को ढूंढा है, पीटर ने नहीं। पीटर सच बोल। पीटर, क्या ये सच है? मैंने मियाओ की म्याओ म्याओ सुनी और फिर मैंने उसे जल्दी से छुड़ा लिया। ये झूठ बोल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि बस बहुत हुआ हेनरी। एक मिनट मिस ऑडबोर्ट, ये ट्राई कीजिए। ओह, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है मिस बैकलैक्स। कोर्ट में शांति रखिए, हम आज यहाँ सच्चाई पता करने इकट्ठा हुए हैं। क्या पीटर ने छोटी मियाओं को बचाया या फिर क्या वो हेनरी था? फैसला आपका है। देखो ये काम मैंने ही किया है। चुप रहो, अब पीटर के साइड से कौन लड़ेगा ये केस?
वो अकलमंद इंसान मैं हूँ मिलॉर्ड। आज मैं साबित करूँगी कि पीटर ही सबसे अच्छा और सच्चा हीरो है और उसका ये शैतान भाई सिर्फ झूठ बोलकर पीटर का इनाम हासिल करना चाहता है। थैंक यू मिलॉर्ड। चुप हो जाओ जज साहिबा और सारे चमचे। आज मैं साबित करना चाहूँगा और साबित करके रहूँगा कि हेनरी को फंसाया गया है, हाँ धोखा, ताकि उसे अपना इनाम ना मिल पाए, और उसे धोखा दिया है उसी के भाई ने। मैंने धोखा नहीं दिया। पीटर जाओ जाकर कटघरे में बैठ जाओ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पीटर, तुम सबको बताते क्यों नहीं आखिर क्या हुआ? मैंने एक आवाज सुनी और मैं उस तरफ देखने गया और झाड़ियों में मिली एक छोटी सी मियाओ मिस ऑडबोर्ड के आंगन में। और उस वक्त हेनरी कहाँ था? मुझे नहीं पता। ऑब्जेक्शन। किस लिए? ऐसे ही टाइम पास, पिक्चरों में ऐसे ही बोलते हैं ना। प्रोसीड। तो बात बिल्कुल साफ है, हमारा पीटर एक बिल्कुल अच्छा नागरिक है जो खुद की परवाह किए बिना एक छोटी सी बिल्ली की मदद करता है और उसकी जान बचाता है। मैं दावे के साथ कहती हूँ माय लॉर्ड कि पीटर एक जाबाज हीरो है। आप कुछ सवाल करना चाहेंगे राल्फ? पीटर, क्या आप हेनरी से दूर नहीं भागे थे जब उसने बॉल को लात मारी थी? हाँ, क्योंकि वो मुझे बॉल मारना चाहता था। पीटर, मेरे नादान बच्चे, वो तो आंगन की तरफ एम कर रहा था उस छोटी बिल्ली को बचाने के लिए। रिएक्शन के लिए थैंक यू, तुम मौका वारदात से भाग निकले। हाँ हाँ, मैं भागा तो था लेकिन। और इससे पहले कि हेनरी उस नन्ही बिल्ली को बचा सकता। फिर से थैंक यू, तुम वहाँ पहले भागे ताकि तुम्हें इनाम मिल सके, है ना? नहीं ऐसी बात। और कोई सवाल नहीं माय लॉर्ड। टेंशन मत लेना, बस कॉन्फिडेंट रहना। हेनरी, क्या तुम कटघरे में आओगे प्लीज? जज साहिबा, हेनरी के बारे में सबको गलत फहमी है, वो लगता शैतान है, बाहर से सख्त है पर अंदर से एकदम नरम है। सॉरी हेनरी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि उसने चैरिटी के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, कौन सी चैरिटी के लिए? गलत फहमी के शिकार बच्चे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जज साहिबा कि हेनरी एक गाय है, उसने इस छोटी नन्ही बिल्ली की जान बचाई पर पीटर उससे पहले वहाँ पहुँच गया और हेनरी को जानवरों से बहुत प्यार है। चलो जरा देखते हैं हेनरी को जानवरों से कितना प्यार है। अरे मेरी मियाँ मियाँ है ही थोड़ी सी शरारती। सबूत आपके सामने है, क्या ये एक जानवर प्रेमी के आसार है? नहीं, ये है आसार सिर्फ एक शैतान के, हेनरी के। तो क्या आप लोगों ने फैसला कर लिया है? पीटर की साइड पर है 6 लोग और हेनरी की साइड पर है 6 लोग। ऑर्डर ऑर्डर। मैं एक खास चश्मदीद गवाह को पेश करना चाहता हूँ। क्या? मैं बुलाना चाहता हूँ छोटी मियाओ को। तुम उस छोटी मियाओ को गवाह बनाना चाहते हो? ये तो पागलपन है। बिल्ली का बच्चा सारी सच्चाई जानता है। छोटी मियाओ को हाजिर किया जाए। तो छोटी मियाओ, क्या तुम्हें वो इंसान दिखाई दे रहा है जिसने तुम्हारी जान बचाई? जरा ध्यान से देखो। इसने कहा हाँ। ऑब्जेक्शन। बिल्लियाँ बात नहीं कर सकती बेवकूफ। बस बहुत हुआ। हेनरी, पीटर, यहाँ मेरे सामने खड़े रहो। छोटी मियाऊ जिसके पास भाग कर जाएगी वही सच्चा है। हेलो छोटी मियाऊ।
गवाह को गुमराह मत करो। पर मैंने उसे बचाया था मामा। हाँ, ये आइडिया बड़ा काम का निकला। मछली है, सारी बिल्लियों को ये पसंद है, तो इनाम मेरा हुआ। हाँ, और इनाम के पैसे तो मेरा दरवाजा ठीक करने में मुझे लगेंगे, तो भूल जाओ इनाम। नहीं।